ऑनलाइन क्लास में मैं उमा तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गणित भाग दो पढ़ने वाले हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न क्रमांक दो, जिसमें प्रश्न क्रमांक दो का एक, जिसमें से आपको तीन प्रश्न दिए रहते हैं और उसमें से आपको दो कृति करनी रहती है। ठीक है, ये कृति क्या है, आपको वो प्रश्न हल करके ही आधा दिया होगा और उसमें बॉक्स बने रहेंगे जहाँ पे आपको आधा हल आपको करना है। और जितने बॉक्स दिए गए हैं, जैसे ये दो मार्क्स आप देख रहे हैं, दो अंक का प्रश्न है, दो ही प्रश्न आपको हल करने हैं, दो अंक के हैं, तो चार आपको बॉक्स दिए गए रहेंगे, खाली रहेंगे, जिसमें आपको उसका आंसर भरना है। प्रश्न दिया है, आंसर भी उसमें आधा दिया हुआ है, तो आपको समझना है और फिर उसमें जहाँ पे ब्लैंक रहेगा वहां पे आपको वो आंसर लिखना है। चार ब्लैंक रहेगा मतलब हाफ ऑफ मार्क्स के लिए ईच है, तो दो मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक दो का ए, जिसमें तीन प्रश्न आएंगे, आपको सिर्फ दो करने हैं, कृति वाले प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न आएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे चार बॉक्स है जो खाली है, इन चारों में आपको ये प्रश्न पहले पढ़ना है, उत्तर भी आपको दिया हुआ है आधा, समझ फिर कहाँ पे क्या आएगा बॉक्स में वो आपको उत्तर लिखना है। एक एक बॉक्स का आपका मार्क्स है आधा आधा मार्क्स, ठीक है, तो टोटल हो जाता है दो मार्क्स। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। संलग्न आकृति में बी पी लम ए सी, सी क्यू लम ए बी और ए पी सी ये एक रेखीय है, ए क्यू बी ये भी एक रेखीय है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू सी समरूप है। ठीक है, आप डायग्राम में ध्यान दीजिए, देखिए दिया है कि बी पी जो है वो लंब है ए सी पर और सी क्यू जो है वो लंब है ए बी पर, और यहाँ पे ये भी दिया है कि ए पी सी और ए क्यू बी ये दोनों एक रेखीय हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पे जो ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू सी ये दोनों आपस में समरूप है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास बहुत सारी कसौटियां हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी कसौटी का प्रयोग करके हम यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू सी में, ठीक है, कोण ए पी बी बराबर डैश है, मतलब बॉक्स खाली है, आपको यहाँ पे उसका उत्तर लिखना है। तो आप देखिए कोण ए पी बी कितना है, यहाँ पे ये चिन्ह बना है मतलब ये 90 अंश है और दिया भी है प्रश्न में कि वो लंब है, तो कितना है 90 अंश है, तो यहाँ पे पहले बॉक्स में हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए कोण ए क्यू सी, कोण ए क्यू सी ये भी हमारा कितना है लंब है, ये भी कितना आ जाएगा हमारा 90 अंश। ठीक है, ये हो गया हमारा, सिर्फ हमने देखिए डायग्राम से उत्तर लिखा दो समझ के और ये हमारा एक मार्क समय मिल गया। ठीक है, आगे तो इसको और नंबर दिया है एक और ए क्यू सी बराबर 90 अंश इसको दिया है नंबर दो, इसलिए कोण ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा कोण ए क्यू सी से, क्योंकि दोनों 90 अंश 90 अंश है, मतलब ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, एक और दो से। अब आगे दिया है कि कोण पी ए बी, देखिए डायग्राम में कहां पर है, पी ए बी सर्वांगसम है कोण क्यू ए सी के, देखिए दोनों में क्या दिया है कि कोण ए की ही बात हो रही है, जो बीच में कोण है वो कौन सा है ए है, दोनों में जब कोण ए की ही बात हो रही है तो ये कौन सा कोण है, दिया है कि कोण पी ए बी सर्वांगसम है कोण क्यू ए सी के, तो दोनों में कोण ए की बात हो रही है तो ये क्या है सामान्य कोण है, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है तो इसलिए यह सामान्य कोण है, कॉमन कोण है। ठीक है, तो अब देखिए हमने दो कोण को जब सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप हो जाएंगे, तो इसलिए त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज ए क्यू सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, कारण, कारण में हम लिखेंगे को कसौटी। देखिए क्योंकि एक कोण ये वाला सिद्ध किया हमने, दूसरा ये कोण सिद्ध कर दिया, तो दो कोण से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज ए क्यू सी और कारण हो गया को कसौटी।
आपने इसमें क्या लिखा, सिर्फ ये 90 अंश 90 अंश, सामान्य कोण और कोको कसौटी, आपको आपने सिर्फ इतना ही लिखा। हाँ, एग्जाम में आप जब हल करेंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन जो लिखा है यहाँ पर, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें से आपने अपने से क्या क्या लिखा है, 90 अंश, दूसरे में भी 90 अंश, और यहाँ पे सामान्य कोण और कोको कसौटी, ये सिर्फ चार ही आपने ब्लैंक भरे हैं और आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, ठीक है, दो त्रिभुज दिया है कि दोनों समरूप है, और दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 80, एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर 125, तो निम्नलिखित रिक्त चौकटों को पूरा कीजिए। यहाँ पर भी देखिए चार बॉक्स है जो खाली है, अब आपको भरने हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, अगर आपको याद होगा आप याद कीजिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय, ठीक है, यहाँ पे वो प्रमेय लगेगा, जैसे कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी दिया है तो नीचे क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है, बराबर दोनों का मान दिया हुआ है तो वो लिख लिया है 80 बटे 125। इसको हम काट सकते हैं, तो अगर हम इसे काटते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 से 80 काटेंगे तो एक बार में 5 एकम 5, 3 बचा तो 30 हो गया, और 6 बार में 30 आ जाएगा तो ऊपर हो गया 16। वैसे ही नीचे 125 है तो इसको भी 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 25 बचा तो 5 बार में 25, तो इसलिए हमारा उत्तर आ गया है ऊपर 16 और नीचे 25। ठीक है, देखिए काटा है 5 से तो यहाँ पे 16 आया, और 125 को जब 5 से काटा तो 25 आया, तो हमारा उत्तर आया है यहाँ पर 16 बटे 25। अब ये आया है हमारा जो 16 बटे 25 है वो क्या है, वो जो उसकी भुजा है उसका वर्ग है। ठीक है, तो ये वर्ग का उत्तर है, ए बी बटे पी क्यू, ये जो उत्तर आया है ना, ये समझिए आप, आया है ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर का, तो हमें क्या चाहिए, ए बी बटे पी क्यू, तो हम क्या करेंगे, इसका आप वर्गमूल लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 4, वैसे ही 25 का वर्गमूल 5, वो तो पहले से ही लिखा है, ये सम भी हो गया। देखिए क्या करना था, इसमें हमें समरूप दिया हुआ था, दो त्रिभुजों का एरिया दिया हुआ है और उनका मान दिया है, तो जब दोनों का एरिया दिया है तो वो हमने लिख लिया, उनको अनुपात में जो उनका मान दिया है वो लिखा, उसे हमने कट किया, तो उत्तर हमें मिला है 16 बटे 25। ठीक है, और फिर हमने उसका वर्गमूल कर दिया तो हमें ए बी बटे पी क्यू का मान मिल गया आसानी से, 4 बटे 5। ये देखिए, ये सम अगर आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा तो भी आपको ध्यान देंगे तो सिर्फ 4 ही बॉक्स इसमें भी है जो आपको भरने हैं, बाकी सब आपको उत्तर दिया हुआ है हल करके ही। ठीक है, तो ये कृति वाले जो प्रश्न रहते हैं बहुत ही अच्छे और आसान रहते हैं आपको हल करने के लिए, आप आसानी से समझ के, डायग्राम अगर है तो उससे और क्या क्या दिया हुआ है उससे समझ के आसानी से इसे कर सकते हैं। संलग्न आकृति में जीवा ई एफ समांतर जीवा जी एच, ठीक है, ये ई एफ जो है समांतर है जी एच के, ई एफ समांतर जी एच, तो सिद्ध कीजिए कि जीवा ई जी सर्वांग सम जीवा एफ एच, ठीक है, ये दोनों को आपस में हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। नीचे दी गई उत्पत्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्पत्ति पूर्ण कीजिए, तो दिया है कि पहले रेख जी एफ खींचिए, तो देखिए यहाँ से जी एफ खींचा हुआ है आकृति में, अब ये जी एफ खींचा है और ये दोनों आपस में समांतर है तो यहाँ पर हमें संगत कोण एकांतर कोण बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला लिख दिया है कि कोण ई एफ जी, देखिए ई एफ जी बराबर है कोण एफ जी एच के, कौन सा कोण है, ये संगत कोण है, यहाँ पर एफ पर कोण बन रहा है और यहाँ पर जी पर कोण बन रहा है, ये एकांतर कोण है और इसको नंबर दिया है 1। दूसरा है कोण ई एफ जी बराबर,
कोण ई ई एफ जी बराबर होगा कौन से कोण से, आपको कारण भी यहाँ पे दिया हुआ है अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। तो यहाँ पे ई एफ जी का कितना आ जाएगा मान, वो आधा, देखिए ये जो है ई एफ जी वो क्या होता है, आधा होता है किसका, ये जो चाप है उसका आधा मेजर चाप ई जी, ये इस चाप के अंदर आ रहा है ना ई जी के, तो जिस चाप के अंदर जो अंतर्लिखित कोण बनता है वो उस चाप के माप का आधा होता है, तो इसलिए कोण ई एफ जी आधा है मेजर चाप ई जी का। इसी प्रकार कोण एफ जी एच, देखिए एफ कोण एफ जी एच ये भी क्या होगा, आधा होगा किसका, चाप एफ एच का। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कोण एफ जी एच हाफ मेजर चाप एफ एच, ठीक है, वो जो चाप रहता है उसके अंतर्लिखित जो कोण बनता है वो कोण जो होता है वो आधा होता है उस चाप का, ठीक है, तो वही लिखा है। ये कैसे आधा होता है, ये अंतर्लिखित कोण के प्रमेय द्वारा। तो हो गया, अब आप देखिए कि सबसे पहला जो नंबर दिया हुआ है एकांतर कोण, उसमें कोण ई एफ जी और कोण एफ जी एच ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं और इन दोनों का अलग अलग माप इतना है, मतलब ये जो मेजर चाप ई जी जो है, ये जो चाप बन रहे हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जब कोण बराबर है और उनका माप दिया हुआ है अलग अलग, तो उनके माप भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसीलिए मेजर चाप ई जी, देखिए मेजर चाप ई जी बराबर हो जाएगा मेजर चाप एफ एच। किससे मिला हमें ये, एक दो और तीन से जब हमने देखा, तो इसलिए हमें पता चला कि ये दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो जब ये चाप बराबर हो गए हैं, चाप ई जी बराबर चाप एफ एच हो गया है, मतलब जीवा जो वहां से जीवा बन रही है वो जीवा भी आपस में क्या होगी, सर्वांगसम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए जीवा ई जी, देखिए जीवा ई जी सर्वांगसम जीवा एफ एच, कारण क्या आ जाएगा, सर्वांगसम चापों की संगत जीवाए, जब चाप सर्वांगसम है तो उनकी जीवाएं भी आपस में सर्वांगसम हो जाएंगी, ठीक है, तो कारण हो गया सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं। इसमें देखिए हमने ये चारों बॉक्स भरे और आपको इसके मिलते हैं 2 मार्क्स। अगला प्रश्न है, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर ए बी और बी सी ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति पूर्ण कीजिए, ठीक है, आकृति में देखिए दिया है ए बी बराबर बी सी, ठीक है, और ए सी का मान दिया हुआ है आपको करनी में 8, तो ये तो दिया है ए बी बराबर बी सी दत्त, कोण पूछा है कोण बी ए सी का मान, बी ए सी का मान कितना आएगा, जब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो एक को 90 का है और बाकी दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं, मतलब उनके दोनों कोण भी आपस में समान होंगे, मतलब कोण ए और कोण सी उनका माप भी समान होगा, तो ये अगर 90 है तो इन दोनों कोणों का माप कितना होगा, 45 45 होगा, कितना होगा, 45 अंश 45, कोण ए बराबर भी 45 आएगा और कोण सी बराबर भी 45 आएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 45 45 90 का प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पहले तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोण बी ए सी बराबर कितना 45 अंश, वैसे अगर आपको कोण बी सी ए भी पूछा होता तो कितना होता 45 अंश, ठीक है, देखिए इसलिए जब ये 45 45 90 वाला प्रमेय हो गया है तो वो प्रमेय क्या होता है कि 45 अंश की जो संलग्न भुजा होती है वो करणी में 1/2 × करणी में 2 × कर्ण, ठीक है, 1/2 × कर्ण होती है, ठीक है, तो आगे यहाँ पर वही लिखा है, देखिए ए बी बराबर बी सी दोनों को एक ही साथ किया हुआ है, ए बी और बी सी आप अलग अलग भी करेंगे तो वैसे ही, पहले अगर आप ए बी करके वैसा लिखते हैं तो भी आप यही लिखेंगे और बी सी बराबर करके भी अगर लिखते हैं तो भी यही लिखेंगे, इसलिए दोनों को एक ही साथ किया हुआ है कि ए बी
बराबर बी सी बराबर एक बटे कर्णी में दो गुने ए सी गुने कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है, एसी का कर्णी में आठ, तो वो यहाँ पे दिया है। यहाँ पर क्या आएगा, एक बटे कर्णी में दो। अब हम इसे काट सकते हैं। हाँ, कैसे, ये जो कर्णी में आठ है ये कट सकता है, लेकिन कैसे कटेगा, जब हम इसको करेंगे, देखिए कर्णी के अंदर ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, आठ को चार गुने दो, चार दुनी आठ। ठीक है, जब इसको हम चार गुने दो लिखेंगे तो चार का वर्गमूल बाहर आ जाएगा। ठीक है, चार का वर्गमूल कितना होता है, दो, तो दो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा है, सिर्फ कर्णी में दो, वो कर्णी में दो जो अंदर बचा है उससे ये वाला कर्णी में दो कट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, दो बचेगा, तो इसलिए हमारा उत्तर आया है दो। ठीक है, आपको जितना स्टेप इसमें दिया है, आपको अगर नहीं समझ में आता है ये कैसे आएगा तो आप हल कर सकते हैं, लेकिन जितना स्टेप और जितना खाली बॉक्स दिया रहेगा आपको उतने का ही मार्क्स, आपको अलग से एक्स्ट्रा स्टेप करने का, अलग से एक्स्ट्रा कारण कुछ और लिखने का, इसमें अलग से मार्क्स कुछ और नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जहाँ पे आपको पूरा प्रश्न हल करना रहता है दूसरे प्रश्नों में, वहां पे आपको कारण भी लिखना रहता है और स्टेप्स के भी मार्क्स रहेंगे, लेकिन इसमें जितने खाली बॉक्स दिए रहेंगे आपको सिर्फ उस पर ही मार्क्स मिलता है। ये आपको समझ में आया कि आंसर हमारा टू कैसे आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संलग्न आकृति के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए साइन थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ पर डायग्राम भी दिया है, साइन थीटा बोला है, तो साइन थीटा क्या होता है कि थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, साइन का क्या होता है फॉर्मूला कि उसकी सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा का नाम क्या है यहाँ पर ए बी, और कर्ण का नाम क्या है ए सी, तो सम्मुख भुजा क्या है थीटा की ए बी, थीटा की सम्मुख भुजा है ए बी और कर्ण का नाम है ए सी, तो इसलिए साइन थीटा बराबर कितना आ गया ए बी बटे ए सी। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या रहता है संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा मतलब उससे जुड़ी हुई, थीटा के पास जो रहती है जुड़ी हुई, वो कौन सी है संलग्न भुजा बी सी, तो क्या आएगा आंसर बी सी बटे ए सी। आसान है, आपको देखिए इतना सही करने का आपको दो मार्क्स मिल जाता है आपको, लेकिन सूत्र जो भी है वो सब थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो ही आप ये हल कर पाएंगे। ये साइन थीटा का कैसे, क्या इसमें कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है, क्या लिखूं, वो अगर आप सोचने बैठ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ये साइन थीटा दिया है तो इसका क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कॉस थीटा का क्या होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो इसलिए उसके आधार पर आंसर यहाँ पर आ गया हमारा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुपातों के बीच का संबंध लिखिए। ठीक है, संबंध दिया गया, ये सब आप नौवीं में पढ़ चुके हैं और आपको दसवीं में इसका रिवीजन किया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना ही है हल करने के लिए, कोई भी चैप्टर का आपको सॉल्यूशन हल करना है तो आपको पहले नौवीं का जो भी आपको पढ़ाया गया है वो सब आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा किसी भी पार्ट का। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बीच, इनके बीच में संबंध क्या है, अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो वो होता है टेन थीटा। ठीक है, वो होता है टेन थीटा। दूसरा है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस कितना, कितना होता है, मतलब इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है, ये सूत्र ध्यान में रखना ही है। ठीक है, तो क्या होता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया। और आखिरी है टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है वन। ठीक है, टेन थीटा गुणे टेन 90 माइनस थीटा कितना आता है इसका, इसका उत्तर आता है वन। इसमें भी चार बॉक्स थे,
आपने अगर सूत्र ध्यान में रखा है, एकदम आसानी से ये प्रश्न हल करने के लिए आपको सिर्फ उत्तर लिखना है, 2 मिनट के अंदर आराम से आप ये हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR में PQ बराबर करणी में 8, QR बराबर करणी में 5, PR बराबर करणी में 3, तो क्या त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है? मैं 3 भुजाओं का मान दिया हुआ है और पूछा है कि क्या ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, तो वो हम कैसे सिद्ध करते हैं? हमें पता है ऐसे सारे जो भी सम्स आते हैं वो हम पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से करते हैं, और यहाँ पर भी वही किया हुआ है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द बॉक्स है, वो आपको भरने हैं। तो सबसे पहले आप स्टेप, अगर आपको पता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये भी आसानी से हो जाएगा। PQ स्क्वायर बराबर, तो PQ का मान कितना है, करणी में 8, तो पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा, करणी में 8 का वर्ग। ठीक है, करणी में 8 का वर्ग कितना होता है, करणी में 8 गुने करणी में 8 करेंगे तो क्या होता है, करणी करणी कट हो जाता है, सिर्फ 8 आता है हमारा उत्तर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, उनका आपस में गुना होता है, 64 का वर्गमूल कितना है, 8। इसी तो एक भुजक का मान हमने निकाल लिया, वर्ग निकाला। हम वर्ग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम दो भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे और उनका मान तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, मतलब वो आपस में, वो जो कोण है वो समकोण कोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, PQ का स्क्वायर हो गया। अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया है आपको 5 का वर्ग, करणी में 5 का वर्ग, तो करणी में 5 किसका है, QR का है, मतलब यहाँ पे इस ब्लैंक में, इस बॉक्स में क्या आएगा, QR का वर्ग बराबर करणी में 5 का वर्ग बराबर कितना आया, करणी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार तीसरा दिया है आपको कि PR का वर्ग बराबर करणी में 3 का वर्ग, करणी में 3 का वर्ग कितना आएगा, 3। ठीक है, तो करणी में 3 का वर्ग कितना लिख लिया हमने, 3। क्या करेंगे कि जो दो छोटे लग रहे हैं, कि जो दो छोटे भुजाएं हैं उनका वर्ग कितना है, उनको जोड़ते हैं, तो 8 सबसे बड़ा है तो उसको हम नहीं करेंगे, दूसरा कितना है, 5 और 3, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो QR का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर, QR का वर्ग कितना आया है, 5, PR का वर्ग कितना है, 3, तो 5 + 3 बराबर कितना आ जाएगा उत्तर, 8। तो आप देखिए इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 8 आया, और PQ का वर्ग कितना है, 8 है, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो QR का वर्ग प्लस डैश बराबर PQ का वर्ग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, QR का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग। ठीक है, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल किया हमने, वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर ही आया। अगर जब ऐसे होता है, मतलब यह पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से ये जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ हम ऐसे ही पाइथागोरस का जो त्रिक है वो भी हम ऐसे ही हल करते हैं कि पाइथागोरस का त्रिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इनके आधार पर सिद्ध कीजिए कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, कोण AP APQ देखिए सॉरी कोण APQ बराबर कोण, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो कौन कौन से कोण का माप 60 दिया हुआ है, APQ का मान भी 60 है और कोण ABC का मान भी 60 है, मतलब ये जो हमारा पहला वाला ब्लैंक है इसमें कितना आ जाएगा, कोण APQ बराबर कोण ABC बराबर 60 अंश दिया हुआ है। आप आकृति में ध्यान दीजिए, तो
अगर ये दोनों कोणों का माप 60 टेंस है, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, सर्वांगसम है। यहाँ पे एक जगह तो खाली दिया है, एक जगह दिया है कि सर्वांगसम कोण एबीसी, तो ये किसके सर्वांगसम आ जाएगा, कोण एबीसी के सर्वांगसम क्या आ जाएगा, कोण एपीक्यू। कितना जाएगा, कोण एपीक्यू सर्वांगसम कोण एबीसी। ठीक है, ये हो गया। रेख पीक्यू समांतर रेख डैश, ये जो पीक्यू है ये किसके समांतर होगा, रेख पीक्यू समांतर किसके, इसके समांतर में एक ही यहाँ पे भुजा दिख रही है, कौन सी, बीसी। तो रेख पीक्यू समांतर रेख बीसी। ठीक है, ये हो गया रेख पीक्यू समांतर रेख बीसी। क्या है, संगत कोण कसौटी से। यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है, तो ये दोनों जो रेख है या भुजा है ये आपस में समांतर है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में दिया है कि पीक्यू समांतर रेख बीसी। ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में, ये दोनों आपस में अगर समांतर है तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होगा, इनका अनुपात भी समान होगा। जैसे एपी बटे पीबी बराबर होगा एक्यू बटे क्या आ जाएगा उत्तर, क्यू सी। देखिए एपी बटे पीबी बराबर एक्यू बटे क्यू सी, कैसे आया उत्तर हमारा, ये समानुपात के मूलभूत प्रमेय से कि अगर ये दोनों आपस में समांतर है तो उनके भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होगा। ठीक है, देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, आकृति में क्या क्या दिया हुआ है कि कोण पी का मान, कोण बी का मान, दोनों का मान 60 दिया है और ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है, मतलब ये जो दोनों भुजाएं हैं ये आपस में, ये जो दोनों रेख है ये आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार कि अगर हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था कि एपी बटे पीबी बराबर एक्यू बटे क्यूसी, आप सिद्ध कीजिए, तो ये हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जब हम इन दोनों को समांतर सिद्ध कर देंगे, जब ये दोनों समांतर हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो गया, समान हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा उत्तर आ गया है एपी बटे पीबी बराबर एक्यू बटे क्यू सी। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाओ बेटा। दीपक माइक चालू करो। दीपक सर तीसरा वाला क्वेश्चन समझाइए ना, ये वाला। हाँ मैम, देखिए इसमें दिया है कि, दिया हुआ है आपको आकृति में, ध्यान दीजिए पहले कि ये जो जीवा EF है वो समांतर है जीवा GH के। ठीक है, ये जो दोनों आपस में ये समांतर है, और आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि जो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में आपको टोटल चार जीवा दिखाई दे रही होगी, ये जो डैश डैश है इसको छोड़ के। ठीक है, तो दो को तो आपस में समांतर दिया है, बाकी जो दो बचे हुए हैं EG और FH, बोला है कि ये दोनों जीवाएं आपस में सर्वांगसम है, ये आप सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए क्या किया है आपको, इसमें बोला है कि रेख GF खींचिए, GF खींचा है। ठीक है, रेख GF खींचा है, तो जब रेख GF खींचा तो उससे क्या हुआ, कोण EFG और कोण FGH ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम हो गए। यहाँ पे कोण एफ पे कोण जो बन रहा है वो, और जी पे जो कोण बन रहा है वो, कैसे, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच में एक तिर्यक रेखा खींच दी है, तो इससे क्या हुआ यहाँ पर एकांतर कोण बन गया है। ठीक है, तो इसलिए कोण EFG समांतर कोण FGH। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया एकांतर कोण। ये प्रशांत पूछो बेटा, प्रशांत सर ये कंप्लीट करना है, कोण EFG कितना है, EFG जो है वो आधा होगा किसका, ये जो चाप है ना EG उसका आधा होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है
एक बट्टे दो मेजर चाप ईजी। अंतर्लिखित कोण जो ये है वो जिस चाप में बना होता है उसका आधा होता है, इसलिए यहाँ पे एक बट्टे दो मेजर चाप ईजी। उसी प्रकार एफ जी एच भी जो है वो भी क्या होगा, जिस चाप में बना है ना एफ जी एच, वो भी उस चाप के माप का आधा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या है, जब ये दोनों आपस में पहले से ही बराबर हैं तो उनके जो चाप है वो भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए चाप ईजी बराबर चाप एफ एच, ठीक है। और जब चाप बराबर है तो उनमें जो जीवाएं बनी हुई है वो जीवाएं भी आपस में सर्वांगसम होंगी। कैसे, सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं। अगर चाप सर्वांगसम है तो जीवाएं सर्वांगसम होंगी, जीवाएं सर्वांगसम है तो चाप भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, कौन पूछ रहा था, पूछिए। प्रशांत सरोज, माइक चालू करो। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है। और किसी को कुछ पूछना है, और किसी को कुछ पूछना है? ओके मैडम, लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।